क्या आप दिल्ली जाने के लिए मुंबई का टिकट खरीदते हैं? या कभी ऐसा हुआ है कि आपको हाई बीपी है और आपने सिरदर्द की टैबलेट ले ली हो? नहीं ना? और ये सवाल भी कितने अजीब और बेतुके लगते हैं, क्या कोई ऐसा करेगा भी? तो फिर लाखों लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझने की भूल क्यों करते हैं? बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए 20 लाख का फंड जुटाने का लक्ष्य इन्वेस्टमेंट से ही पूरा होगा, इंश्योरेंस से नहीं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग टूल्स हैं, इनकी जरूरत, काम और लक्ष्य सब कुछ अलग है। चलिए समझते हैं कैसे, ताकि अगली बार आप दोनों को मिक्स ना करें और वही चुने जो आपके लिए सही हो। इंश्योरेंस को एक ऐसे प्रोडक्ट के तौर पर समझिए जिसका काम है आपको किसी अनजान, अनचाहे और अचानक आए खतरे या नुकसान से बचाना। ये आपका सेफ्टी कवर है। मुश्किल तब होती है जब आप इसे सेफ्टी कवर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का जरिया भी समझने लगते हैं, जैसे मनी बैक पॉलिसी, एंडोमेंट या यूलिप। वैसे तो ये खूब पॉपुलर स्कीम्स हैं, लेकिन क्या इन्हें अपनाना वाकई समझदारी भरा फैसला है, ये देख लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, तो ये तो आप जानते ही हैं कि हर साल आपकी कार की कीमत कम होती जाती है। जब आप कार इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या 3 साल बाद कार की कीमत घटने की बजाय बढ़ जाएगी? नहीं ना, आप कितना भी प्रीमियम दें, गाड़ी की कीमत कम होती रहेगी। यानी ये प्योर इंश्योरेंस है, आपने इसमें कोई रिटर्न की उम्मीद नहीं रखी थी। अब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस पर, यहां मामला गड़बड़ा जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के साथ कुछ गारंटीड रिटर्न मिल जाए या मैच्योरिटी अमाउंट तय हो, तो वो एक तीर से दो शिकार कर लेंगे, यानी इंश्योरेंस भी और इन्वेस्टमेंट भी। लेकिन ये समझदारी नहीं, बल्कि अपने ही हाथों से अपना नुकसान करना है। जब भी आप इंश्योरेंस के साथ रिटर्न को मिक्स करते हैं, उसी वक्त से आप एक समझौता कर लेते हैं, बड़ा सा कॉम्प्रोमाइज। ऐसी स्कीम में या तो इंश्योरेंस का कवर घटा दिया जाता है, या जो रिटर्न मिलता है उससे आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। यानी चले थे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का डबल डोज बनाजा जीतने, लेकिन रियलिटी में दोनों को ही हार कर आ गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत आसान है। अगर आपको अपने परिवार को वाकई एक मजबूत सुरक्षा कवच देना है, तो टर्म इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट को चुनिए। हाँ, इसमें आपको कोई मनी बैक नहीं मिलने वाला, लेकिन प्रीमियम के मुकाबले कवर कहीं बेहतर होगा। बाजार में 30 साल के व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस 10 से 12 हजार रुपए के सालाना प्रीमियम पर मिल जाता है। उम्र और फैमिली कंडीशंस को देखते हुए आपके लिए कौन सा टर्म इंश्योरेंस सही होगा, इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले सकते हैं। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी इंश्योरेंस आते हैं। ये तो बात हुई इंश्योरेंस की, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पर। जब आप प्योर इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देते हैं, तो ये आपके बड़े लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने का दम रखता है। जैसे म्यूचुअल फंड SIP के रेगुलर निवेश के जरिए आप अपने बच्चों की शिक्षा से लेकर शादी तक के तमाम बड़े खर्चों को निपटा सकते हैं। NPS में निवेश से आप टेंशन फ्री रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। इन सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स में इंश्योरेंस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे टर्म इंश्योरेंस में सब कुछ ठीक रहने पर पैसों की वापसी का कोई लेना देना नहीं होता। जैसा हमने आपको शुरू में ही कहा था कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, इन्हें अलग ही रहने दीजिए। मिक्स करेंगे तो दोनों में से एक का फायदा भी ठीक से उठा नहीं पाएंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप पर्सनल फाइनेंस को बेहतर मैनेज कर पाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।